हाय फ्रेंड, मैं विकास कुमार गुप्ता पीजीएम स्टडी पॉइंट में आप लोग का स्वागत करता हूँ। दोस्त, आज हम पढ़ने वाले हैं कोडिंग डिकोडिंग में टाइप थ्री, जो कि टाइप टू तक हो गया है। देखते हैं इसके आगे कैसा कैसा प्रश्न आता है। दोस्त, ये हमारा टाइप थ्री है। दोस्त, टाइप टू तक हम पढ़ा चुके हैं। टाइप थ्री में देखते हैं कैसा प्रश्न आता है। टाइप थ्री को पढ़ने से पहले एक हम इसके बारे में कुछ समझ लें। आज हम ऐसा पढ़ने वाला है टॉपिक जो जैसे सदृश से समान होता है। जैसे किसको, जैसे हो गया जल को पानी बोलते हैं, पानी को पतई बोलते हैं, पतई को पहाड़ बोलते हैं, तो फिर हो गया कि मनुष्य क्या पीता है, तो अभी बोले हैं पानी को पतई बोलते हैं, तो पानी, तो यह इसका आंसर होगा पतई। इस तरह से चलिए, इस तरह का सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं टाइप थ्री में। चलिए सवाल नंबर वन देखते हैं दोस्त यहाँ पे क्या कह रहा है। चलिए, आपके स्क्रीन पे है सवाल। यहाँ पे वन कह रहा है दोस्त, सवाल नंबर वन यहाँ पे कह रहा है कि यदि यदि सफ़ेद को नीला, यदि सफ़ेद को नीला और नीला को लाल, लाल को पीला और पीला को हरा, हरा को काला, काला को बैगनी और बैगनी को संतरी, संतरी कहते हैं, तो कह रहा है यहाँ पे मनुष्य का खून कैसा होता है। दोस्त, इसको बनाने से पहले हम आपको एक सूचना दे रहे हैं कि बनाने से पहले सबसे पहले आपको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए कि इसको क्या कह रहा है, यहाँ पे किसका उत्तर पूछ रहा है। यहाँ पे देखेंगे हम कि किसका यहाँ पे आंसर पूछ रहा है। सबसे पहले देखेंगे किसका आंसर पूछा है, तब तब सवाल को हम पढ़ेंगे कि सवाल क्या कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, इसको क्या कह रहा है। तो यहाँ पे बोल रहा है सबसे, फिर एक बार रीडिंग दे रहे हैं सवाल को। बोला है सफ़ेद को नीला, नीला को लाल, लाल को पीला, पीला को हरा, हरा को हरा को काला, और काला को बैगनी, और बैगनी को संतरी कहते हैं। तो यहाँ पे पूछ रहा है मनुष्य का खून कैसा होता है। दोस्त, हम जानते हैं कि हम लोग का खून लाल रंग का होता है। यहाँ पे जो कि बोला है कि लाल को पीला बोलते हैं, लाल को पीला बोलते हैं, तो क्या दोस्त, अभी मैंने बताया एक एग्जाम्पल में कि पानी की पतही बोलता है, तो यहाँ पे आंसर पतही हुआ था। तो इसी तरह यहाँ पे बोला है कि मनुष्य खून कैसा होगा, तो मनुष्य खून यहाँ पे दोस्त हम जानते हैं कि लाल होता है। यहाँ पे बोला है कि लाल को पीला बोलते हैं, तो इसका आंसर होगा दोस्त हमारा पीला, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। सी है पीला, यहाँ पे पीला हमारा दोस्त राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्त, आप लोग समझ गए होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर टू देखते हैं। क्वेश्चन नंबर टू कह रहा है यहाँ पे दोस्त, आज इसी तरह के काफ़ी सुंदर सुंदर अच्छा अच्छा क्वेश्चन लाए हैं दोस्त, ताकि एग्जाम में आपको डायरेक्ट देखने को मिल जाएगा, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो दोस्त, SSC हो, NTPC ग्रुप डी, रेलवे का कोई भी एग्ज़ाम हो, आपको देखने को ये एक प्रश्न जरूर मिलेगा दोस्त। चलिए दोस्त देखते हैं यहाँ पे टाइप टू हमारा सवाल नंबर टू क्या कह रहा है। सॉरी, टू सवाल नंबर टू यहाँ पे कह रहा है दोस्त हमारा, कह रहा है कि यदि संतरा को सेव, यदि संतरा को सेव और केल संतरा को सेव और केला को खुबानी, केला को खुबानी और सेव को मिर्ची, और खुबानी को संतरा और मिर्ची को केला कहते हैं, तो इसमें पूछ रहा है कि हरे रंग का क्या होता है। तो दोस्त, अभी हमने बताया कि सबसे पहले प्रश्नों को पढ़िए, क्या हमें क्या कहना चाह रहा है। यहाँ पे पूछ रहा है कि हरे रंग का क्या होता है, तो यहाँ पे दोस्त हम जानते हैं कि हरे रंग का मिर्ची होती है। यहाँ पे बोला है एकदम बोल रहा है कि मिर्ची को केला बोलते हैं, जो कि केला ऑप्शन नंबर डी में है दोस्त। यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में केला है, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा दोस्त हमारा डी, केला राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्त फिर आगे। दोस्त, हमारा वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक तो बनता ही है दोस्त, और हमेशा वीडियो देखने के लिए दोस्त हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन भी दबा दीजिएगा, बगल में जो घंटी आता है, ताकि हमारा वीडियो आपके पास हमेशा पहुँचते रहे, जब भी हम बनाए वीडियो पहुंच जाए आपके पास। चलिए दोस्त देखते हैं सवाल नंबर तीन यहाँ पे क्या कह रहा है। सवाल नंबर तीन कह रहा है यहाँ पे, कलम को मेज बोलते हैं, यदि कलम को मेज बोलते हैं, मेज को पंखा, पंखा को कुर्सी, और कुर्सी को छत, तो यहाँ पे पूछा है कि आदमी किस पर बैठेगा। दोस्त, हम जानते हैं कि आदमी कुर्सी पे बैठता है, टेबल पे बैठता है, कुर्सी पे, या चौकी हो गया, इस तरह का, इस तरह के मतलब वस्तु पे हम बैठते हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कि कलम को मेज, मेज को पंखा, और पंखा कुर्सी, कुर्सी को छत बोलते हैं, तो आदमी किस पर बैठेगा। तो यहाँ पे दोस्त हम जानते हैं कि आदमी कुर्सी पे बैठता है, यहाँ पे कुर्सी को बोला है कि छत बोलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा छत, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है छत। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्त, क्वेश्चन नंबर हमारा चार। चलिए दोस्त, अब ऑप्शन से मानना चालू करेंगे, सीधे सवाल पढ़ेंगे। सवाल नंबर चार कह रहा है, सवाल आंसर पूछ रहा है चार का,
चार है। सवाल नंबर चार कह रहा है यहाँ पे, क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा, क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा। चलिए अब सवाल पढ़ते हैं क्या कह रहा है। सवाल पहले बोल रहा है कि यदि यदि बैट को रैकेट बोलते हैं, रैकेट को फुटबॉल, फुटबॉल को शटल, और शटल को लूडो, और लूडो को कैरम बोलते हैं, तो यहाँ पे पूछा है क्रिकेट किसके साथ खेला जाएगा। तो दोस्त हम जानते हैं कि क्रिकेट बैट के साथ खेलते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि बैट को रैकेट बोलते हैं, तो इसका रैकेट देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन है, ऑप्शन नंबर ए में है, ऑप्शन नंबर ए में है रैकेट, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्त हमारा ऑप्शन नंबर ए, ये जो कि ऑप्शन नंबर ए में रैकेट दिया हुआ है, ये हो जाएगा राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव देखते हैं क्या कहता है दोस्त। ये हुआ फाइव, फाइव कह रहा है दोस्त यहाँ पे, यदि आसमान को तारा बोलते हैं, तारा को बादल, बादल को पृथ्वी, और पृथ्वी को फेंड बोलते हैं, फेंड को किताब बोलते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि चिड़िया कहाँ उड़ेगी। दोस्त हम जानते हैं कि चिड़िया आसमान में उड़ती है, जो कि पहला ही बोल दिया कि आसमान को तारा बोलते हैं, तो तारा देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में है, जो कि तारा, ऑप्शन तारा आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर फाइव, फाइव तो हो गया, सिक्स क्वेश्चन नंबर सिक्स को देखते हैं दोस्त। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर सिक्स देखते हैं क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर सिक्स कह रहा है दोस्त यहाँ पे कि यदि कमरा को बेड कहते हैं, बेड को खिड़की, खिड़की को फूल बोलते हैं, फूल को कूलर बोलते हैं, तो यहाँ पे आदमी बोल रहा है कि आदमी कहाँ पर सोएगा। दोस्त हम जानते हैं कि अभी बोले हैं कि आदमी सोएगा पलंग पे, पलंग पे हो गया, चौकी हो गया, इस तरह का वस्तुओं पर सोता है, तो इसमें बोला है कि कमरा को बेड बोलते हैं, बेड को खिड़की, खिड़की को फूल, और फूल को कूलर, तो आदमी कहाँ पर सोएगा। दोस्त हम जानते हैं कि आदमी बेड पर सोता है, जो कि ऑप्शन में बोला है कि बेड को खिड़की कहते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर खिड़की, आप कैमरा को बेड, बेड को खिड़की, बेड को बोला है खिड़की ना दोस्त। चलिए देखेंगे यहाँ पे खिड़की, खिड़की कौन सा ऑप्शन में है दोस्त, खिड़की ऑप्शन नंबर ए में है, खिड़की ऑप्शन नंबर ए में है, तो ये हो जाएगा हमारा राइट आंसर ए। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेवन क्या कहता है दोस्त यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर सेवन की ओर, क्वेश्चन नंबर सेवन लेके कह रहा है, किताब को घड़ी बोलते हैं, घड़ी को बैग बोलते हैं, किताब को घड़ी, घड़ी को बैग, और बैग को शब्दकोश, और शब्दकोश को खिड़की बोलते हैं, खिड़की, हाँ खिड़की बोलते हैं, तो बोल रहा है कि किताब ले जाने वाले किसका प्रयोग करते हैं। यहाँ पे बोल रहा है कि दोस्त किताब को ले जाने वाला, जिस किताब को हम जिस वस्तु में भर के ले जाते हैं, उसको हम क्या बोलेंगे। तो यहाँ पे पहले ही बोल दिया है कि बैग को हम शब्दकोश बोलते हैं, जो कि किताब हम ले जाते हैं बैग में, बैग को यहाँ पे बोला है शब्दकोश, शब्दकोश देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन में है, यहाँ पे दोस्त ऑप्शन नंबर ए में है, क्या है शब्द, शब्दकोश ऑप्शन नंबर ए में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त। चलिए देखते हैं फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट दोस्त, मेरे क्वेश्चन बनाने से पहले आप खुद इस क्वेश्चन को पढ़िए और सॉल्व कीजिए कि आपसे बन रहा है कि नहीं दोस्त, आपसे बन पाएगा तभी आपको समझ में आएगा कि जी हाँ इसका क्वेश्चन बताया हुआ हमें समझ में आ रहा है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर आठ पढ़िए दोस्त क्या कह रहा है यहाँ पे। कह रहा है कि तकिया को पिल्लो बोलते हैं, तकिया को पिल्लो, और पिल्लो को चटाई, चटाई को बेडशीट, और बेडशीट को कवर बोलते हैं, तो यहाँ पे बोला है कि छत पर क्या बिछाया जाता है। छत पर हम जानते हैं कि दोस्त यहाँ पे बेडशीट बिछाया जाता है, चटाई भी बिछाया जाता है, तो यहाँ पे बोल रहा है कि चटाई बिछाया जाता है ना छत पर दोस्त, यहाँ पे बोल रहा है कि चटाई को हम बेडशीट कहते हैं, बेडशीट, तो यहाँ पे बेडशीट देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन में है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है बेडशीट, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बेडशीट, जो कि ऑप्शन नंबर दिखाई दे रहा है यहाँ पे। चलिए फिर अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नाइन की ओर, क्वेश्चन नंबर नौ क्या कर रहा है दोस्त यहाँ पे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर नौ कह रहा है, क्वेश्चन नंबर नौ यहाँ पे कह रहा है दोस्त कि यदि बालू को हवा बोलते हैं, सॉरी सॉरी ये नौ नहीं है दोस्त, ये टेन है। कह रहा है नौ कि यदि संतरा को मक्खन कहा जाए, और मक्खन को साबुन, और साबुन को स्याही, स्याही को शहद, और शहद को संतरा कहते हैं, तो कह रहा है कि निम्न में से किसका उपयोग कपड़ा धोने के लिए किया जाता है। दोस्त हम जानते हैं कि कपड़ा धोने के लिए साबुन की आवश्यकता होती है, तो यहाँ पे बोला है कि साबुन को हम स्याही बोलते हैं, जो कि स्याही ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे है, मौजूद है स्याही, तो यहाँ पे आंसर क्या लग रहा है दोस्त, ऑप्शन नंबर डी स्याही राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर टेन की ओर, क्वेश्चन नंबर टेन की ओर, क्वेश्चन नंबर टेन क्या कह रहा है दोस्त यहाँ पे।
देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10 का, यदि बालू को हवा, हवा को पठार, पठार को कुआं, कुआं को दीप और दीप को आसमान कहते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि पानी भरने कहाँ जाएंगे दोस्त। पानी भरने हम कहाँ जाएंगे, कुआं में जाएंगे, जो कि कुआं को बोला है दीप। दीप ऑप्शन नंबर देखेंगे कौन है, ऑप्शन नंबर बी में है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्त, यहाँ पे बी हो जाएगा दीप आंसर, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर फिर 11 की ओर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कर रहा है दोस्त यहाँ पे। बहुत मज़ेदार वीडियो है दोस्त, इस पूरा भरपूर क्वेश्चन को देखिएगा दोस्त, क्या क्या पता कभी आपको एग्जाम में यही मिल जाए तो आपका तो लक ही खुल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं दोस्त। 11 यहाँ पे कह रहा है, 11 कह रहा है, यदि चूड़ी को कैसेट बोलते हैं, कैसेट को मेज, मेज को खेल, खेल को अलमारी, तो बोला है कि टेप रिकॉर्ड कहाँ चलाएंगे। तो टेप रिकॉर्ड दोस्त हम जानते हैं कि कैसेट में रिकॉर्ड करके कोई भी गाना सुनाया जाता है या सुना जाता है, या किसी का भी रिकॉर्ड किस में किया जाता है, टेप में किया जाता है। तो यहाँ पे बोला है टेप को कह रहा है क्या कैसेट में किया जाता है, तो यहाँ पे कह रहा है कि टेप रिकॉर्ड कहाँ चलाया जाएगा, तो कैसेट में, तो कैसेट, कैसेट को क्या कह रहा है, कैसेट को यहाँ पे कह रहा है मैज, जो कि मैज ऑप्शन नंबर सी में यहाँ पे है मौजूद है मेज, तो इसका राइट आंसर सी मैज। फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 दोस्त, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर देखते हैं, 12 क्या कहता है दोस्त। 12 क्वेश्चन नंबर 12, चलिए दोस्त 12 करें यहाँ। यदि वर्षा, यदि वर्षा को पानी और पानी को सड़क और सड़क को बादल, बादल को आसमान, आसमान को समुद्र, समुद्र का रास्ता, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि हवाई जहाज कहाँ कहाँ उड़ाया जाएगा दोस्त। कह रहा है कि हवाई जहाज कहाँ उड़ता है, तो हम जानते हैं कि आसमान में उड़ता है, और जो कि आसमान को बोले यहाँ पे क्या दोस्त, आसमान को कह रहा है आसमान को समुंदर, आसमान समुंदर, तो यहाँ पे दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा क्या, समुंदर। आसमान को कह रहा है ना समुंदर, तो इसका राइट आंसर जाएगा समुंदर। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 13 की ओर, वीडियो देख कर दोस्त लाइक जरूर दबाइएगा दोस्त, अच्छा लगे तो। क्वेश्चन नंबर कौन था दोस्त, 13। चलिए 13 देखते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है यदि पानी को भोजन, पानी को भोजन और भोजन को फेर, फेर को आसमान, आसमान को दीवार, तो यहाँ पे कह रहा है कि निम्न में से फल किस पर उगाया जाएगा। फल हम जानते हैं कि दोस्त फेड़ पर उगता है, जो कि ऑप्शन, जो कि कह रहा है कि फेड़ को आसमान कहते हैं, आसमान देखते हैं, देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन में है, आसमान दोस्त, ये हमारा ऑप्शन नंबर सी में है, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्त यहाँ पे। चलिए 14 देखते हैं, कह रहा है धूल को हवा, हवा को आग, आग को पानी, पानी का रंग, रंग का वर्षा, वर्षा का धूल कहते हैं, तो बोल रहा है कि मछली कहाँ चलती है, मछली कहाँ रहती है, तो दोस्त हम जानते हैं कि मछली पानी में रहती है, जो कि पानी को बोला है रंग कहते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी रंग, इसका राइट आंसर रंग हो जाएगा, ये हुआ राइट आंसर सी रंग। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर, क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं दोस्त यहाँ पे। यदि रेलगाड़ी को बस, बस को ट्रैक्टर, ट्रैक्टर को कार, कार को स्कूटर, स्कूटर को साइकिल, साइकिल को मोपेड कहते हैं, तो खेत को जोतने के लिए किसका उपयोग करते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि ट्रैक्टर से खेत जोता जाता है, ना कि कार से, तो यहाँ पे कह रहा है क्या कह रहा है, ट्रैक्टर को कार कहते हैं, जो कि कार ऑप्शन नंबर डी में है यहाँ पे मौजूद, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कार। चलिए देखते हैं दोस्त क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 यहाँ पे दोस्त कह रहा है, लीड को छड़ी, छड़ी को नींब, नींब को सुई, और सुई को रस्सी, और रस्सी को धागा कहते हैं। क्वेश्चन कहने का मतलब कह रहा है कि दोस्त लीड को छड़ी, छड़ी को नींब, नींब की सुई, और सुई को रस्सी, रस्सी का धागा कहते हैं, तो यहाँ पे पूछा है कलम लिखने के लिए किसका उपयोग करते हैं। दोस्त हम जानते हैं कि कलम में नींब डालते हैं, नींब, जो कि यहाँ पे नींब को बोला है कि नींब को सुई बोलते हैं, तो इसका आंसर है यहाँ पे हो जाएगा क्या दोस्त, यहाँ पे सी हो जाएगा, जो कि सी में दिया हुआ है सुई, और सुई को कह रहा है, नींब को बोला है सुई बोलते हैं, नींब का अर्थ है सुई, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा सुई। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर, इसका राइट आंसर सी था, क्वेश्चन नंबर 17 को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पे कह रहा है दोस्त, रुक जाए दोस्त थोड़ा माइक लगा लें। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है प्रकाश को सुबह, यदि प्रकाश को सुबह, सुबह को अंधेरा, अंधेरा को रात्रि, रात्रि को धूप और धूप को संध्या कहते हैं, तो कह रहा है कि हम कब सोते हैं। दोस्त हम जानते हैं कि सोते हैं रात को, रात को यहाँ पे बोल रहा है कि रात्रि को धूप बोलते हैं, जो कि धूप ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा धूप, जो कि ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन आगे, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18 क्या कह रहा है यहाँ पे दोस्त। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है यहाँ पे गुलाब को पोस्ता, पोस्ता को कुमदुनी, कुमदुनी को कमल और कमल को फूलदार पौधा कहते हैं, तो कह रहा है कि फूलों का राजा कौन है। दोस्त हमें बचपन में पढ़े हैं कि फलों का राजा आम है, फूलों का राजा कमल है, तो यहाँ पे वही वही बात है, कह रहा है कि कमल, कह रहा है कि फूलों का राजा कौन है, चूँकि जानते हैं कि फूलों का राजा कमल है, तो यहाँ पे कह रहा है कि कमल को फूलदार पौधा कहते हैं। फूलदार पौधा देखते देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि फूलदार पौधा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 19 की ओर, क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19, 19 को देखेंगे। 19 को कह रहा है दोस्त, यदि चूहा को कुत्ता, कुत्ता को नेवला, नेवला को शेर, शेर को सांप और सांप को हाथी कहते हैं, तो बोला है कि पालतू कौन है। दोस्त हम जानते हैं कि पालतू कुत्ता होता है, जो कि यहाँ पे कुत्ता को बोला है नेवला, नेवला देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में है नेवला। नेवर होता है ना दोस्त, भोजपुरी में बोलते हैं नेवर, उसी को नेवला बोलते हैं हम, इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर, क्वेश्चन नंबर 20, सॉरी यहाँ पे बी लिख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20, 20 कह रहा है यहाँ पे, यदि नीला का अर्थ हरा, समझिएगा दोस्त, नीला का अर्थ हरा, हरा का अर्थ सफ़ेद, सफ़ेद का अर्थ पीला और पीला का अर्थ काला, काला का अर्थ लाल और तथा लाल का अर्थ भूरा है, तो यहाँ पे पूछ रहा है दूध का अर्थ, दूध का रंग कैसा होता है। दोस्त हम जानते हैं कि दूध का रंग उजला होता है, जो कि यहाँ पे बोला है हरा का अर्थ है सफ़ेद, हरा का अर्थ यहाँ पे सफ़ेद दिया है, यहाँ पे सफ़ेद, जो कि यहाँ पे कह रहा है कि दूध का रंग कैसा होता है, तो दोस्त जानते हैं कि दूध का रंग होता है सफ़ेद, जो कि सफ़ेद, हरा का अर्थ है सफ़ेद, सफ़ेद का क्या हो जाएगा हरा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हरा हो जाएगा, जो कि हरा ऑप्शन नंबर बी में है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर, 21, सॉरी 11 बोल रहे हैं, 21 21 की ओर, क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्त क्वेश्चन नंबर 21 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है यहाँ पे कागज को लकड़ी, लकड़ी को भूसा, भूसा को घास, घास को लबड़, लबड़ को कपड़ा कहते हैं, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि फर्नीचर किससे बनेगा। फर्नीचर का कहने का मतलब लकड़ी का सामान, तो यहाँ पे कह रहा है सीधा सीधी बोल रहा है कि लकड़ी को भूसा बोलते हैं, तो इसका क्या ऑप्शन होगा, यहाँ लकड़ी को कह रहा है भूसा बोलते हैं, जो कि देखेंगे भूसा ऑप्शन नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर सी में, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 22, सवाल नंबर 22, सवाल नंबर 22, 22 कह रहा है यहाँ पे कि यदि आदमी को लकड़ी, लड़की सॉरी आदमी को लड़की, लड़की को औरत, औरत को लड़का, लड़का को नौकर और नौकर को असभ्य कहते हैं, तो बोला है कि रेस्टोरेंट में काम कौन करता है। रेस्टोरेंट में दोस्त हम जानते हैं आदमी, औरत ये सब होती है, तो इसको यहाँ पे खुलासा नहीं करेंगे, क्योंकि सबको मिलाकर के हम नौकर बोलते हैं, एक शब्द में नौकर, तो यहाँ पे जो बोल रहे हैं नौकर को असभ्य बोलते हैं, क्या बोलते हैं नौकर को, असभ्य, नौकर को असभ्य बोलते हैं, तो देखेंगे असभ्य ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर यहाँ में, ऑप्शन नंबर डी में है, जो कि डी राइट आंसर है। चलिए देखते हैं फिर क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, 23 यहाँ पे कह रहा है दोस्त, दीवार को खिड़की, खिड़की को दरवाज़ा, दरवाज़ा को फर्श और फर्श को छत और छत को रेशेदार कहते हैं, कह रहा है दीवार को खिड़की, खिड़की का खिड़की को दरवाज़ा, दरवाज़ा को फर्श, फर्श को छत और छत को रेशेदार कहते हैं, तो बोला है कि व्यक्ति कहाँ पर खड़ा होगा। दोस्त व्यक्ति फर्श पर खड़ा होता है, जो कि फर्श को यहाँ पर बोल रहा है कि फर्श को क्या बोलते हैं, छत बोलते हैं, छत, फर्श को यहाँ पर कह रहा है कि छत कहते हैं, तो छत देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन में, ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फिर 24,
नंबर 24 क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है यहाँ पे कि रबड़ को बॉक्स बोलते हैं और बॉक्स को पेंसिल और पेंसिल को शार्पनर और शार्पनर को बैग बोलते हैं। तो कह रहा है कि बच्चा किससे खेलेगा। दोस्त हम जानते हैं कि बच्चे पेंसिल पेंसिल हो गया कलम हो गया इन दोनों से सब खेलते हैं, या कोई खिलौना हो गया तो खिलौना का तो कोई चर्चा है नहीं इसमें। पेंसिल कह रहा है तो दोस्त हम जानते हैं कि पेंसिल से बच्चा खेलता है। तो यहाँ पे बोला है कि पेंसिल को क्या बोलते हैं, शार्पनर। बोल रहा है पेंसिल को शार्पनर बोलते हैं। चलिए देखते हैं शार्पनर ऑप्शन नंबर कौन में है। ऑप्शन नंबर यहाँ में डी पे है, तो डी इसका राइट आंसर होगा। चलिए दोस्त आज का अंतिम सवाल 25 की ओर चलते हैं। प्रश्न संख्या 25 जो कि आज का अंतिम सवाल है दोस्त। चलिए चलिए देखेंगे 25 नंबर। कल यदि घड़ी को टेलीविजन कहते हैं, घड़ी को टेलीविजन बोलते हैं, टेलीविजन को रेडियो और रेडियो को चूल्हा, और चूल्हा को चक्की बोलते हैं और चक्की को प्रेस कहते हैं। तो कह रहा है कि औरत सिकाई किस पर करती है। इसका कहने का मतलब कि औरत का सिकाई नहीं होता है खाना वाना बनाने की तरह, ये कह रहा है। तो क्या दोस्त औरत खाना बनाएगी टेलीविजन पर, घड़ी घड़ी पर, चक्की पर? नहीं दोस्त, औरत खाना बनाती है चूल्हा पर। तो कह रहा है कि चूल्हा को हम क्या बोलते हैं, चक्की बोलते हैं। चूल्हा को कह रहा है यहाँ पे चक्की बोलते हैं। चक्की देखेंगे ऑप्शन नंबर कौन में है, ऑप्शन नंबर सी में है। इसका राइट आंसर सी होगा। चलिए ठीक है दोस्त, इस तरह का क्वेश्चन हम इसी तरह बनाएंगे। सबसे पहले दोस्त हम इस तरह के प्रश्न बनाने के लिए अब फर्स्ट में बताए हैं कि पहले सवाल पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसके बाद फिर सवाल पढ़िए। सवाल इसका इसके तरह से कौन बोल रहा है, जैसे बोले ना कि दूध को पानी, इस तरह से। चलिए ठीक है दोस्त, अब मिलते हैं अगले टाइम में। धन्यवाद।